हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एक फ्रेंड सिलेट कुर्ती कटिंग स्टिचिंग से बनाने के लिए। ये मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है 1 मीटर एंड ये मैंने जॉर्जेट लिया है 2 मीटर। इसका ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले हम सिल्क फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। इसको फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्ड में। फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले टॉप की लेंथ ले लेंगे। टॉप की लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 16 इंचेस। अब यहाँ से सबसे पहले 1/2 इंचेस लीफ कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंचेस छोड़ते हुए बाकी की निशान लगाएंगे। अब इसके आगे से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें मैं इसको स्लीवलेस बना रही, तो इसमें आर्म होल मैं ले रही हूँ 6.6 इंचेस। आप चाहें तो 7 इंचेस ले सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते तो 7.5 इंचेस भी ले सकते हैं। अब इसमें 1/2 इंचेस का डीप करेंगे फ्रंट पार्ट में। ये गुलाई बैक के लिए और ये गुलाई हमारी फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये निशान लगाएं। यहाँ पर बेस्ट की मार्किंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 7.5 इंचेस। इसको तिरछा करेंगे और इसको पूरा सी करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ से लेंगे 3 इंचेस ऊपर की साइड, करीब ले लेंगे 4.5 इंच या 5 इंचेस तक आप ले सकते हैं। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने कट कर लिया है, इसका बैक पार्ट भी कट कर लेते हैं। फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। जो हमने 1/2 इंच लिया था, बैक पार्ट में 1/2 इंच नहीं लेना है। इसको मेजर कर लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। दोनों पार्ट को मैंने कट कर लिया। इसमें निशान लगा लेते हैं प्लेट्स बनाने के लिए। यहाँ से लेंगे 4 इंचेस ऊपर की साइड, ले लेंगे 5 इंच। अब इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये निशान हमें दोनों साइड का लेना है। अब जॉर्जेट फैब्रिक से हमें इन दोनों पीसेस को कट करना है। उससे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। ये इसका 2 लेयर है। अब इसको हम 4 लेयर में कर लेते हैं। इसको मैंने 4 लेयर में रखा है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड टॉप के लिए छोड़ देंगे। जितना हमने टॉप लिया हो उसी के अकॉर्डिंग ऊपर साइड लीव कर देंगे। मैंने 16 इंचेस का टॉप पार्ट लिया है, लेकिन छोड़ेंगे 15 इंचेस। और टोटल लेंथ आप कुर्ती की लगाएं। यहाँ पर टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए इसको कट कर लेंगे। बस ये फ्लैर हो चुका, उसको साइड में रख देते हैं। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम दोनों पीसेस को कट कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं प्लेट्स बनाने के लिए। अब इसको हम बीच से कट कर लेते हैं।
अब इन पीसेस को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। इसको मैंने जोड़ लिया, इसको सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर इसको हम सीधा रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। और इसमें मैंने प्लेट्स भी बनाकर इसको रेडी कर लिया है। जैसे हमने निशान लगाए थे उसी तरीके से हमने प्लेट्स भी इसमें बना लिया। इसका नेक कट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस और इसकी डीप ले रही हूँ मैं 4 इंचेस। और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और इसको राउंड करते हुए इसको कट कर लेना है। बैक में भी नेक को कट कर लेते हैं। विड्थ सेम ही लेंगे 3.5 इंच। डीप इसमें हम कम कर लेंगे, 2.5 इंचेस ले लेंगे। ये दोनों पार्ट्स के नेक कट कर लिए हैं हमने। ये मैंने और एक पट्टी ली है और पट्टी को सीधी साइड से रखते हुए उल्टी साइड फोल्ड कर लेना, दोनों नेकों को कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। दोनों नेक में मैंने पट्टी को लगा लिया है। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। उल्टे साइड फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों नेकों को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों नेक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद इसके मैंने आर्म होल भी कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हमने नेक को कंप्लीट किया है और एक पट्टी से, उसी तरह से आर्म होल को भी हमें कंप्लीट करना है और एक पट्टी से। ये मैंने फ्लावर लिया है, इन फ्लावर को हम बीच में टक करेंगे और इसमें मैंने सिलाई लगा ली है साइड में भी और ये फ्लावर्स भी मैंने टक कर लिए हैं। तो इस तरीके से आएगा ये। अब इसका फ्लेयर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लेयर में हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। नीचे साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने 3 साइड सिलाई लगा ली है, ओनली ऊपर की साइड मैंने छोड़ा है। अब इसमें हम इसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ से रखते हुए सिलाई को इस तरीके से रखेंगे और आप इस तरीके से भी प्लेट्स इसकी बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं धागे से चुन बना लूँगी, उसके बाद इसमें अटैच करूँगी। ये मैंने चुन बना लिए हैं धागे में डाल के। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है चैनल पे। तो इस तरीके से बना सकते हैं प्लेट्स। धागे को आप जो कमर के हिस्सा है उसी के मेज़रमेंट से ही लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग धागा लेके इस तरीके से पिरो लेना है। अब यहाँ से इस तरीके से हमें लगाने में भी आसानी होती है और ये बड़ा भी नहीं होता है। अब इस तरीके से रखेंगे और ये वाला हिस्सा यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे तो और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है सिलाई वाला, इसको ऊपर करते हुए ऊपर साइड इसमें सिलाई लगा लेनी है और ये कंप्लीट है। तो ये है इसका फाइनल लुक और ये पहनने के बाद काफ़ी प्यारा लगने वाला। जीन्स के साथ आप वेयर कर सकते हैं, कॉलेज के लिए वेयर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ इस तरीके का ही लुक देगा, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताओ वीडियो को कैसा लगा।